बड़ी खबर आ रही है राणा दंपति से जुड़ी हुई, जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब 16 तारीख को यानी 16 जून को उनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, राणा दंपति की मुश्किलें फिलहाल के लिए खत्म होती नजर नहीं आ रही। राणा दंपति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है मुंबई पुलिस की तरफ से। मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, अब 16 जून को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपति जिन्होंने हनुमान चालीसा करने पाठ करने की बात कही थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, 16 जून को अब उन्हें कोर्ट के सामने हाजिर होना है। तो इस पे हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सही बिल्कुल अर्पिता, लिए चलते हैं मुंबई। मुस्तफा, क्या है चार्जशीट में, क्या आरोप लगाए हैं राणा दंपति पर पुलिस ने? जी बिल्कुल, ये 23 अप्रैल का मामला है, जिसे बता रहे थे कि जब राणा दंपति ने ये कहा था कि मातोश्री के बाद जाकर हनुमान चालीसा का वो पाठ पाठन करेंगे, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो अरेस्ट जो है वो रजिस्टर करते हुए दिखाए थे, पुलिस के खिलाफ कई चीजें कहते हुए दिखाए थे। तो उस वक्त दो FIR दर्ज हुई थी, एक FIR जो है देशद्रोह के मामले की दर्ज हुई थी, और दूसरी जो FIR है वो सेक्शन 353 मामले में दर्ज हुई थी कि स्टॉपिंग अ पब्लिक पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। उस जो दूसरा मामला है 353 IPC सेक्शन का, उसमें आज बोरीवली कोर्ट में खार पुलिस ने 85 पेजेस की चार्जशीट जो है वो दाखिल किए, जिसमें 23 लोगों को विटनेस बताया गया, साथ ही साथ जो वीडियोज उस वक्त के वायरल हुए थे वो वीडियोज 30 चार्जशीट में जोड़े गए हैं। और ये पुख्ता सबूत देने की कोशिश की गई है कि जो 353 सेक्शन है उसके अंतर्गत आरोपी आप कह सकते हैं कि राणा दंपति को बताया गया है। ये आपको बता दें कि मामले की ट्रायल आप बोरीवली कोर्ट में जो NPML स्पेशल कोर्ट है वहां पे शुरू होगा, और उसमें क्या डिसाइड होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए किसी भी केस में सबमिशन आता है तो उनके लिए कंटेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सही।